नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। राजभवन में होली की धूम, सीएम सुक्खू और जयराम ने एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल, राज्यपाल भी होली के रंग में रंगे। होली के रंग में रंगी राजधानी शिमला, रिज और मौर रोड पर हिमाचल यूनिवर्सिटी में डीजे पार्टी, हर ओर जश्न का माहौल। महिलाओं को तीर्थ यात्रा करवाएगी सुख सरकार, महिला दिवस पर बोले मुकेश। कसौल के पास फिर भिड़े पंजाब के श्रद्धालु और स्थानीय लोग, पुलिस ने संभाला मोर्चा। होली के रंगों से सराबोर शिमला में बारिश के साथ आज फिर गिरे ओले। 200 मीटर नीचे नाले में गिरी गाड़ी, सेना के जवान सहित 4 युवकों की मौत, छुट्टी काट कर लौट रहा था वापस। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के साथ होली मनाई। एक दूसरे को हर मंच पर घेरने वाले सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम होली के पावन अवसर पर एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली के मौके पर राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सीएम सुक्खू ने राजभवन आकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तिलक कर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ने होली पर जमकर धमाल मचाया। हिमाचल यूनिवर्सिटी से लेकर ढली बाजार तक पूरा शिमला होली के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा था। हर ओर गुलाल और कलर की खुशबू बिखरी हुई थी। हिमाचल यूनिवर्सिटी में SFI, NSUI और ABVP तीनों छात्र संगठनों ने होली की डीजे पार्टी रखी। सुबह ही छात्रों ने हॉस्टल से निकलकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। HPU कैंपस और पिंक पैटल में स्टूडेंट्स के साथ साथ समर हिल बालूगंज के स्थानीय लोग भी शामिल हुए। लोग कलर के साथ साथ पानी में रंग घोलकर पिचकारी से एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। शिमला के रिज मैदान पर भी सभी लोग धूमधाम से इस पर्व को मना रहे थे। ऊना के नजदीकी समूर कला स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री रहे। इस मौके पर महिलाओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को जल्द ही तीर्थ यात्रा पर ले जाने का काम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के गठन में भी महिलाओं की भूमिका शानदार रही है। महिलाओं को लेकर जो वायदा कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व किया था, उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में स्थित मंदिरों की भव्यता के लिए काम कर रही है और इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर कसौल के पास होली के मौके पर मंगलवार देर शाम को पंजाब के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में झगड़ा हो गया। घटना की सूचना पर SP साक्षी वर्मा और ASP आशीष शर्मा भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला और झगड़ा करने वालों को वहां से हटाया गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों और पंजाब के श्रद्धालुओं को समझाया और उसके उपरांत पंजाब के श्रद्धालु आगे निकले और स्थानीय लोग भी अपने घरों को गए। जिन श्रद्धालुओं ने मणिकर्ण जाना था, उन्हें पुलिस ने मणिकर्ण भेजा और जो मणिकर्ण से भुंतर की तरफ आ रहे थे, उन्हें भुंतर की ओर रवाना कर दिया गया। होली के रंगों से सराबोर हिमाचल की राजधानी शिमला में दोपहर बाद एकाएक मौसम के मिजाज बदले और भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम में अचानक आए बदलाव से ठंड भी बढ़ गई है। दोपहर बाद मौसम के बदलते ही थोड़ी देर के लिए दिन में ही अंधेरा छा गया। ओलावृष्टि से सड़कों व छत पर सफेद चादर बिछ गई। सड़क पर वाहनों को लाइट जलानी पड़ी। शिमला के आसपास के कुछ एक इलाकों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, वहीं कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश और ओलावृष्टि से पर्यटकों के चेहरे पर भी रौनक आ गई। शिमला में होली खेलने के लिए बाहरी राज्यों से पर्यटन आए हुए हैं। दिन के समय इन्होंने जमकर रिज मॉल रोड पर खूब गुलाल उड़ाया, लेकिन बारिश व ओले गिरने के बाद मौसम बदला और उन्हें कमरों में दुबकना पड़ा। चौपाल उपमंडल के तहत नेरवा बाजार से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक ऑल्टो कार 200 मीटर गहरे नाले में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही चारों ने दम तोड़ दिया। हादसे में एक सेना के जवान की भी मौत हुई है।
वो छुट्टी काट कर वापस जा रहा था। कार में सवार होकर चार युवक नेरवा की ओर आ रहे थे। कैदी नेरवा मार्ग पर कार लगभग 200 मीटर नीचे नाले में जा गिरी। हादसे में कार सवार चारों युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही चारों की मौत हो गई। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।